प्रणाम बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर, मेरा नाम अरुंधति है। आज हम वर्णमाला सीखेंगे। वर्णमाला को ही अक्षरमाला कहा जाता है। वर्णमाला यानी देखिए ये कैसे एक माला में पिरोए जैसे लिखे हुए है ना, इसीलिए इन्हें माला यानी वर्णमाला, ये वर्ण है और ये माला के जैसे पिरोए हुए है इसलिए इसे वर्णमाला या अक्षरमाला कहते हैं। अक्षर यानी जिसका कभी भी क्षय न होता हो और कभी भी उस अक्षर के टुकड़े नहीं होते, इसलिए इसे अक्षरमाला कहते हैं। जब हम मुंह से बोलते हैं तो जो ध्वनि निकलती है, जो ध्वनि स्वर निकलता है उसे ध्वनिया कहते हैं और जब हम लिखते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। ध्वनि जो है वो सुनने के लिए आती है और भाषा लिखने पढ़ने के लिए उपयुक्त होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल मिला के 52 यानी 52 वर्ण होते हैं और इसकी लिपि देवनागरी लिपि है, यानी इसकी लिखावट जो है वो देवनागरी लिपि है। आपकी कैसे इंग्लिश में कर्सिव लुसिडा लिखते हो ना, वैसे ही ये देवनागरी लिपि है और इंग्लिश में आप लोग अल्फाबेट्स कहते हो, हिंदी में इसे वर्णमाला कहा जाता है। तो आइए हम लोग आज वर्णमाला पहले बोलना सीखेंगे, बाद में लिखना सीखेंगे। वर्णमाला में और आ ई ई उ ऊ री ए आए ओ आव अं आह क ख ग घ अं च छ ज झ णि ट ठ ड ढ न अड अढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र। पहले हम लोग अ आ कैसे लिखते हैं उसका अभ्यास करेंगे। देखिए मैंने पहले ही कहा आपको, हम लोग हिंदी में जैसे बोलते हैं ना वैसे ही लिखते हैं। तो पहला स्वर क्या है ओ, पहला वर्ण क्या है ओ। देखिए आप इंग्लिश में या हिंदी में थ्री या तीन जैसे लिखते हो ना वैसे ही पहले लिख लेना है। देखिए ये ऐसा आप ऐसे थ्री लिखते हो ना, ये थ्री लिखना, फिर उसे ऐसे एक आड़ी लंबी खींचना और एक सिर, फिर ये शिरोधारा। अ में फुल पूरी शिरोधारा नहीं दी जाती है, ये हुआ अ। आ फिर से थ्री निकाल लेना यानी तीन निकालना, अ निकाल लेना और एक खड़ी पड़ी, ये हुआ आ। देखिए यहाँ छोटा साउंड यानी छोटी ध्वनि सुनाई देती है, यहाँ पे थोड़ी बड़ी ध्वनि सुनाई देती है क्योंकि ये एक खड़ी पाई जो है वो एक एक्स्ट्रा लगाई गई है। और हिंदी ऐसे ही लिखना है बच्चों। देखो अगर आपके पास ऐसे वाली नोटबुक है तो आप लोग ऐसे ही लिखोगे ओ। अगर आपके पास फॉर रूल बुक है तो आपने हिंदी को फर्स्ट यहाँ से लेना है, यहाँ पर लाना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ आना है, ऐसे लिखना है। समझ में आया बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपने याद रखनी है। ये हुआ अ आ। ये देखो क्या करना है आपको, पहले ये ऐसे निकाल लेना है सी, एक छोटी डंडी देनी है और सी निकाल लेना है, फिर से उसको ऐसे करके ये उसका पेट मोड़ देना है, ये भी ई, ऐसे ही ई फिर से निकालनी है और ऊपर ऐसे रेफ देनी है, ये हुआ ई। ओ आ ई ई ऊ। इन दोनों में क्या अंतर है, देखिए ये सिर्फ थ्री निकाला है और ये थ्री के बीच में ऐसे एक दुम निकाल दी है ना, ये दुम के जैसे है ना, ये हुआ ऊ जिसे बोलने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी री, री भी देखो ये ऐसे निकालना है और यहाँ पे आपका छोटा आर आप निकल के ना वैसे निकलना है, ये हुआ री। क्या क्या निकाला अभी हमने, अ आ ई ई ऊ री। अभी ए, देखिए 11 निकालना यानी 11, ऐसे 11 निकालना, फिर ये एक
जो एक है इसका पैर ऐसे मोड़ देना बस, और ऊपर शिरोधारा लगाना, है ना इजी। ये हुआ ए, आई ए के जैसे ही निकलना और ऊपर एक दंड खींच देना, ये हुआ आई। ओ फिर से अ निकालना, ओ देखो आ निकाल के ऊपर एक खड़ी पाई निकाल दी, हुआ ओ। फिर से ये ओ निकालना, ओ की कॉपी करना और अगेन एक दो दंडे ऊपर देने, यहाँ पे एक दिया यहाँ पे दो दंडे, ये हुआ आओ। अंग फिर से अ निकालना और ऊपर एक बिंदी, मम्मी लगाती ना ऊपर सर पर एक बिंदी लगाती है ना, वैसे इसे एक ऊपर बिंदी लगाना, ये हुआ अंग। आहा हुआ अह। देखो बच्चों वर्णमाला में दो प्रकार होते हैं, एक है स्वर और व्यंजन, अभी हम बाद में सीखेंगे। बच्चों अभी हम चित्र के द्वारा देखेंगे कि कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। देखिए अ जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, क्या बना अ से अनार, कैसे अ प्लस ना प्लस र, अनार अ अनार। आ देखिए जैसे बोल रहे वैसे ही लिख रहे हैं ना, आ आ प्लस म आम। देखो आम कितने अक्षरों से बना है, दो वर्णों से बना है ना, आ प्लस म आम। ये देखो ई इमली, ई प्लस म प्लस ली इमली। देखो ये तीन वर्णों से बना है इमली। ईख, ई प्लस ख ईख। उल्लू, उ प्लस उल्लू उल्लू। उ प्लस न ऊन। री, ऋषि, री प्लस शी ऋषि। ए, ए प्लस क एक। ऐ, ऐनक, ऐ प्लस न प्लस क ऐनक। ओ, ओखली, ओ प्लस ख प्लस ली ओखली। औ, औरत, औ प्लस र प्लस त औरत। अंग, अंगूर, अंग प्लस गु प्लस र अंगूर। अह देखो बच्चों अह से कोई भी वर्णों की या कोई भी अक्षर की शुरुआत नहीं होती, हमेशा अह वर्णों के या अक्षरों के अंतिम में या बीच में ही आता है। जैसे प्रातः, प्रातः, प्रा प्लस त प्लस अह प्रातः। अब बच्चों हम लोग हावभाव के सहायता से देखते हैं कि कैसे कहते हैं, ठीक है ना। अ से अनार, आ से आम, मिलकर होते सारे काम। ई से इमली, ई से ईख, अच्छी अच्छी बातें सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, एक एक कर भर लो खून। री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, भाग रहे दुश्मन के सैनक। ओ से ओखली, ओ से औजार, फले फूले सारा संसार। अंग से अंगूर, आहा से खाली, उतना खाओ जितनी थाली।